हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। CITS 2023 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे और उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट आ गया था और उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट एलिजिबल थे उन्होंने अपना पेमेंट करके और 5 ऑप्शन फिल किए थे, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ख़त्म भी हो गई थी और उसके बाद ट्रांसफ़र राउंड स्टार्ट था। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और 5 ऑप्शन जो अप्लाई किए थे उनमें अगर उनको फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिला है तो उनके पास ऑप्शन था कि वो उसको अपग्रेड कर सकते थे। तो जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड थे उसकी डेट आपका 31 से लेके 1 तक थी, तो जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई किए थे अब वो चेक कर सकते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये ट्रांसफ़र लिस्ट इज़ जनरेटेड एंड नाउ इज़ अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन 3/8/2023, मतलब 3/8/2023 को ये लिस्ट पब्लिश कर दी गई है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए थे अगर उनको फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया था तो वो अपने लॉगिन में जाके चेक कर सकते हैं कि उनको जो भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए थे उनका कॉलेज चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ। अगर चेंज नहीं हुआ है तो उसी कॉलेज में उनका एडमिशन रहेगा, अगर चेंज हो गया है तो जो न्यू कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर उनका एडमिशन होगा और वहाँ पर पूरा प्रोसेस आगे उनको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो आपका सेकेंड काउंसलिंग है, सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपका चॉइस फिलिंग भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो डेट है आपका, देखिए, काउंसलिंग टू चॉइस सिलेक्शन 5 अगस्त से आपका 8 अगस्त के बीच में अप्लाई होगा। तो आज 4 अगस्त है, कल से आपका ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड काउंसलिंग का। तो सेकेंड काउंसलिंग का भी प्रोसेस आपका वही सेम रहेगा, 5 ऑप्शन आपको फिल करने पड़ेंगे। अगर आपने पेमेंट कर चुके हैं फर्स्ट काउंसलिंग में, अगर कोई आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप सेकेंड काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट काउंसलिंग में अपेयर ही नहीं हुए हैं, पेमेंट भी नहीं किए, वो सेकेंड काउंसलिंग में पेमेंट करके अपेयर हो सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है एग्ज़ाम में, अगर उनका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका सेकेंड काउंसलिंग का प्रोसेस कल से स्टार्ट हो जाएगा आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि कैसे आपको उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। उस तरह की लिस्ट जनरेट हुई है ट्रांसफ़र लिस्ट, जिन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है वो भी अपना लॉगिन से चेक कर सकते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है। और सेकेंड काउंसलिंग आपका 5 अगस्त कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किए या इनको कोई भी कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ है। तो ये दोनों प्रोसेस आप जल्द से जल्द कर ले। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।